जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत आपका ALS न्यूज पर। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्या रहेगा पूरे देश भर में मौसम का हाल। अगले 48 घंटों के दौरान इन राज्यों में मौसम विभाग द्वारा हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों कई आपका राज्य तो नहीं है शामिल इसमें, तो आइए बात करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिया है उससे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मौसम विभाग द्वारा कौन से राज्य तथा शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, दिल्ली NCR में बदला मौसम। सितंबर के पहले सप्ताह में हर दिन हो सकती है बारिश और बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। मौसम 1 या 2 अगस्त को लेगा करवट। मौसम बदला भी था और 5 अगस्त को दिल्ली के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन इसमें हवा नमी बढ़ गई है और दिल्ली NCR के शहरों में गर्मी व उमस के कारण लोगों का बुरा हाल हो रहा है। जी हां दोस्तों, 2 सितंबर से बारिश की तीव्रता और बारिश का दायरा दोनों बढ़ेंगे। 2 सितंबर की भोर में सभी बारिश दर्ज की गई है और उम्मीद है कि इस तरह ज्यादातर इलाकों में वर्षा की गतिविधि आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है। वही बारिश अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम होगी, 1-2 जगहों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। ऐसे में बात करें अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा, उसके बाद 5 और 6 को फिर बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। इसी दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। और दोस्तों मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून रेखा इस समय दिल्ली के दक्षिण में है और धीरे धीरे दिल्ली के उत्तर में आ जाएगी। इसी वजह से दिल्ली NCR में मानसून सक्रिय रहेगा और रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वही अगले 48 घंटों के दौरान उत्तराखंड में दक्षिणी भागों में सटे हिमाचल प्रदेश सहित मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी तट के केरल, विदर्भ और सटे मराठवाड़ा के हिस्सों में मध्यम से बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। और दोस्तों भारत उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल व सिक्किम, उत्तरी बिहार, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बाकी हिस्सों में, जम्मू और कश्मीर के दक्षिणी हिस्सों तथा राजस्थान के मध्य भागों में, गुजरात और महाराष्ट्र में बाकी भागों में, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश तट के तेलंगाना के लिए हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ ही हल्की वर्षा होने के आसार जताई जा रहे हैं और मौसम विभाग ने इन राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। दरअसल बात करें 2 सितंबर 2019 किसानों के लिए जरूरी सलाह क्या होगी। वही दोस्तों 3 से 4 सितंबर मौसम शुष्क रहने की वजह से किसान बंधु इन दिनों दवाओं का छिड़काव व उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। वही कपास, मक्का, सब्जी आदि फसलों में रोगों और कीटों का प्रकोप भी निगरानी रखें। संक्रमित पौधों को नष्ट कर दें। मक्के में अक्सर बुआई के 2 से 3 हफ्तों के बाद तना भेदक कीट में प्रकोप पाया जाता है। यदि प्रकोप दिखाई दे तो 30 मिलीमीटर क्रोजन में 60 लीटर पानी डालकर इसे छिड़कें। वही अमरूद के फल में मक्की की रोकथाम के लिए ट्रैप लगाए। ट्रैप के लिए पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये जरूरी अपडेट्स आप सभी को जानने को मिली होंगी। वही आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन दिया है उसको भी दबा दीजिए। तो जय हिंद भारत, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों।